हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कुमुदनी की वेज रेसिपी में ये कुमुदनी मौर्या आपका स्वागत करती है। तो आइए आज हम बर्फी बनाना सीखते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। सिर्फ 3-4 सामान से ही हमारी ये बर्फी बन जाएगी और बहुत स्वादिष्ट लगती है ऐसी बर्फी। तो आप अपने घर में मेहमानों के लिए भी ऐसे झट से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने 1 कप देसी घी लिया है और 1 कप मैदा लिया है और 1 कप से थोड़ा कम शक्कर लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, पिस्ता बादाम, और 1 कप से कम ही मैंने मिल्क पाउडर लिया है। तो आइए बनाते हैं। मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। मीडियम लो गैस पर ही इस मिठाई को बनाएंगे, फास्ट गैस पर नहीं बनाएंगे। तो मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया है और 1 कप जो मैंने मैदा लिया था इसमें घी में डाल दिया। अब इसको इसी तरह से लगातार चलाते हुए सिर्फ इसको 3-4 मिनट तक ही चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो ये मैदा जल जाएगा और इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। इसलिए इस तरीके से लगातार चला के अच्छे से मिला लेना है। देखिए धीरे धीरे क्या होगा, ये मैदा अपना कलर चेंज करेगा, लेकिन हमको ब्राउन नहीं करना है मैदे को, बस इतना ही भुनना है कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस इसी तरीके से हमको चला चला के उसको पका लेना है अच्छे से मैदे को। मैं आपको और नज़दीक से दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए, अब ये मैदा हमारा पक चुका है। देखिए कितने बल्स निकल रहे हैं। अब ये हमारा मैदे का घोल पक गया है क्या, इसको चेक करने का एक ही निशानी है। तो मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा मार दिया था। देखिए किस तरह से बबल्स और बढ़ना शुरू हो गए। तो ये पक चुका है पूरी तरह से। अब क्या करेंगे, इसको गैस पर से नीचे उतार देंगे और जो मैंने 1/2 कप से ज़्यादा थोड़ा सा चीनी लिया था वो चीनी में 1/2 कप पानी डाल के इसको चाशनी बनने के लिए रख दिया है। देखिए, और थोड़ा सा चला कर ताकि हम चारों तरफ से हमारी चाशनी अच्छे से घुल जाए। और इसको एक तार का हमको बनाना है, चाशनी का एक तार की रहेगी तो हमारी मिठाई बहुत ही अच्छी बनेगी। और इसी तरह से हमको क्या करना है, घोल लेना है। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार हैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और बनाने का मन करता है इस तरीके की रेसिपी और भी। तो देखिए ये चाशनी घुल चुकी है, बस अब इसको एक तार जब तक नहीं हो जाए तब तक थोड़ा पका लेना है। और इसमें मैंने 1/2 चम्मच कूटी हुई हरी इलायची डाल दी है। तो इसी तरीके से आप भी इलायची पाउडर डाल सकते हैं। देखिए ये चाशनी हमारी इस तरह से चम्मच से भी आप देख सकते हैं, चम्मच से अगर पूरी तरह से सोन में नहीं है तो थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद में उंगली पे इस तरीके से रख कर चेक कर सकते हैं। 1-2 बार आप चेक करेंगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा एक तार की चाशनी कैसी होती है। जब वो अंगूठे और उंगली की मदद से आप इस तरीके से घुमाएंगे ना चाशनी को हाथ पे, तो आपको फील दिखाई देगा इस तरह से निकलता हुआ। मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ और जो भी मैं सामग्री डालूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो इसमें चाशनी बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए जब पूरा पानी ये जल जाता है ना तो चाशनी अपने आप बन जाती है। देखिए ये, देखिए ये मेरी एक तार की चाशनी, ये देखिए, ये मैं आपको और नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से ये बन गया। तो अब गैस को बंद कर देंगे। बस अब एक बर्तन में बटर पेपर रख कर उस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। देसी घी लगा रही हूँ, अगर आप तेल लगाना चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर देसी घी लगा दिया है और कुछ पिस्ता और बादाम काट के रखे थे मैंने, वो डेकोरेट कर देंगे, सजा देंगे। बहुत ही अच्छा हमारा ये बर्फी देखने में और खाने में भी बहुत सुंदर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से इसको हम अब एक साइड में रख देती हूँ मैं इस मिक्सर को, और हमारा जो मैदे का मिक्सर था उसको ले लेंगे। देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारा मिल्क पाउडर था 1 कप इसमें डाल देंगे और इसको गैस पे से उतार के मैं कर रही हूँ, सिर्फ कढ़ाई गर्म है और उसके अंदर मिला रही हूँ। इस तरीके से जैसे जैसे आप अच्छे से मिला देंगे ना ये पाक फिर से ढीला हो जाएगा। बस
आपको इसी तरीके से मैदे की कच्चापन को ख़त्म करना है। मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हमारी बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। खाने के बाद कोई बता नहीं पाएगा कि मैदे की बर्फ़ी है। तो आप भी मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इस तरीके की बर्फ़ी। और ये जो चाशनी हमने बनाई थी ना, अब इसमें चाशनी डाल देंगे इस तरीके से। अच्छे से चम्मच से निकाल के पूरी चाशनी इसमें डाल दिया है मैंने, और चाशनी के अंदर ये इसको घोल कर रही हूँ, अच्छे से मिला रही हूँ। देखिए इस तरीके से मिला लेना है। जैसे ही जितने अच्छे से मिलेगी ना, ये थोड़ी चाशनी अपने आप गाढ़ी होती जाएगी। देखिए ये अपने आप गाढ़ा होते जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो हमने बटर पेपर पे घी लगा के रखा है उसे पलटी कर लेंगे इस तरीके से। ये गर्म बहुत ज़्यादा है अभी, तो इसी तरीके से हम फटाफट जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इसमें पूरा डालकर और चम्मच की मदद से इस तरह से दबा दबा कर जमा देंगे। अगर आपको ज़्यादा सूखा लगता है बर्फ़ी का डो, तो आप क्या करेंगे, उसमें एक छोटा चम्मच पानी डालेंगे और गरम करके मिला लेंगे। बस देखिए अच्छे से जमा दिया है मैंने, ये पूरी तरीके से जम चुका है। और पूरा एक डेढ़ घंटे रेस्ट के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। तो चारों तरफ से मैंने इस तरह से चाकू की मदद से निकाल दिया है और ये कवर हटा दिया। देखिए कितनी सुंदर हमारी बर्फ़ी दिख रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। जिस भी आकार में आप काटना चाहें काट लीजिए। ये देखिए हमारी बर्फ़ी लगभग तैयार ही होने वाली है। ऐसे ही आप अपने घर में झट से बर्फ़ी बना सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा, बनाया तो कैसा बना। पूरी सामग्री की जानकारी नीचे लिख दूंगी मैं। धन्यवाद।